तो दोस्तों, चाय तो आपने हर जगह और बहुत तरीके की पी होगी, मगर आज मैं आपको लेके आया हूँ बिहार के बख्तियारपुर में। और यहाँ की चाय ना दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस है। और देखिए क्या बढ़िया तरीके से यहाँ पे ना हांडी के अंदर बनाई जाती है। देख रहे हो, ये दो हांडियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, और इसमें ना कड़ती रहती है चाय, पकाई जाती है पूरे 12-12 घंटे। ये हांडियाँ ऐसी लगी रहती हैं, इसके ऊपर बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब चाय बनाई जाती है। तो भैया से बात करते हैं, समझते हैं किस तरीके से इस चाय को बनाया जाता है और कैसा है उसका स्वाद, एंड में हम टेस्ट करके देखेंगे। ये देखो, है ना मज़ेदार, गाड़ी गाड़ी सी चाय। ये मटके का स्टॉक है, यहाँ पर मटका रखा जाता है, इसके बाद यहाँ से उठाकर इसको पकाया जाता है। ले चलिए इसको। तो देखिए दोस्तों, ये एक मटका ले लिया गया है, मटके का साइज़ चेक कर सकते हो क्या, ह्यूज साइज़ है। और इसमें एक साथ हम चाय बनाते हैं भैया, तो ये कितने लीटर का या कितने केजी का? ये 10 से 12 लीटर का। 10 से 12 लीटर एक साथ हमारा बना सकते हैं। स्टोव जला लिया गया है और उसके ऊपर ये मटका रखा जा रहा है। और ये देखिए, मटके को रख के ना पहले अच्छे से गर्म किया जाएगा, और उसके बाद भैया बता रहे थे इसके अंदर दूध डाला जाता है। भैया इसका दूध है, मलाई सहित है, इसको मलाई हटा दिया गया। तो ये भैंस का दूध है? ये भैंस का दूध। अच्छा, और इसी ये दूध लिए और आधा केजी के लमसम इसको पकाएं। अच्छा, आधा के लिए मटके में डाल के पहले उसको पकाया जाता है? पकाया जाता है अच्छी तरह से। अच्छा, 10 से 15 मिनट इसको लगेगा सर खोलने में, और ये अच्छी तरह से दूध पूरा उबल जाएगा और पक्के मतलब कि चारों पट्टी हाँ ध्याने लगेगा। तो ये किस लिए करते हैं, मतलब ये जो दूध पकाते हैं? ये हंडिया को मजबूत करने के लिए करते हैं, ताकि मजबूत रह जाए। 24 घंटा भट्टी ताव पर रहता चढ़ा हुआ, इसके कारण मजबूत हो जाता है दूध। तो देख सकते हो दोस्तों, जो दूध है वो अच्छे से बॉयल हो चुका है, और देखिए हांडी के ऊपर आने लग चुका है। और आप देख सकते हो थोड़ी देर में ना ये सारा का सारा दूध उबल के बाहर गिरेगा, और एक बेसिकली कोटिंग बन जाएगी, जो मटका है ना उसके चारों तरफ कोटिंग बन जाएगी, जिससे कि जो हमारा मटका है, जो हांडी है, वो अच्छे से पक जाएगा। और नेक्स्ट टाइम से जब हम इसके अंदर चाय बनाने लगेंगे ना, तो एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, और जो मटका है हमारा वो फूटेगा भी नहीं। तो देख सकते हो दोस्तों, जो मटका है उसका जो दूध है बेसिकली वो बिल्कुल अच्छी तरीके से नीचे बैठ चुका, मतलब सूख चुका है, और धीरे धीरे करके नहीं बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख जाएगा, तब इसके अंदर और दूध डाला जाएगा, उसके बाद इसमें चाय पत्ती और चीनी डाल के उबाला जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इस हांडी के अंदर ना दूध भर दिया गया है, और ये हांडी जाएगी अब सेकंड स्टेप पे, जिसमें कि चाय पत्ती डाली जाएगी और इसको पकाया जाएगा। तो आइए सेकंड स्टेप आपको दिखाता हूँ। ये हमारी हांडी जो है वो आ गई है सेकंड स्टेप के लिए। यहाँ पे देखिए लाया गया है, इस आँच पे रख दी गई है कोयले की, और इसको सेट करने के बाद इसके अंदर डाली जाएगी दोस्तों चाय पत्ती। तो ये आ गई दोस्तों चाय पत्ती, ये देखिए कुल्लड़ की हेल्प से ही नाप के इसके अंदर चाय पत्ती डाली जा रही है। तो पूरे मटके के अंदर 2 कुल्लड़ चाय पत्ती डाली है इन्होंने। अब इसको अच्छे से पकाया जाएगा, ताकि चाय पत्ती का पूरा जो फ्लेवर है वो दूध के साथ मिल जाए। और यहाँ पे खास बात नोटिस करने वाली ये है दोस्तों, कि दूध में ना एक बूंद पानी नहीं डाला गया, और अच्छे से दूध में ही चाय बन रही है। मेरा नाम उमेश मेहता हुआ, मैं पटना सिटी से रहता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे पेड़ा इंजॉय कर रहे हैं, कैसा है सर यहाँ का पेड़ा? पेड़ा मैं जब भी इस रोड से गुजरता हूँ तो खास करके यहाँ रुकता हूँ चाय पीने के लिए और पेड़ा खाने के लिए। कैसी लगती है सर आपको यहाँ की चाय? बहुत टेस्टफुल चाय भी है, कूलर का चाय, और पेड़ा भी बहुत टेस्टफुल रहता है पेड़ा भी। और मैं खाता ही नहीं, अपने परिवार के ले भी जाता हूँ। तो दोस्तों, दूसरी हांडी में हमारा दूध अच्छे से कट चुका है, हमारी दूध और चाय पत्ती। अब इसे डाला जा रहा है तीसरी हांडी में, और इसमें डाला जाएगा चीनी, जिससे इसमें मिठास आएगी। ये चीनी डला गया, अब ये खौलेगा, अब जो ये बनेगा ना ये फाइनली चाय हो जाएगा। तो अच्छे से काढ़ा हुआ और मीठा चाय बनेगा अभी। हाँ, मेरा नाम रमेश कुमार है सर, ये 4 साल से चल रहा है सर। सुबह सर 6 बजे से लेकर रात 10:30 तक सेवा है सर। ये हमारे बड़े के भैया थे, बड़े वाले भैया, वही बताएं कि ऐसा ऐसा करिए कुछ। हमारे चाय का सर अमेरिका में भी लोग जानते हैं। चाय सर जो भी चीज़ हम सब यूज करते हैं प्रॉपर शुद्ध सर, भैंस का दूध देहात से मंगाते हुए। डलमिया गोल्ड चाय पत्ती देखिए, वो भी सील लगा हुआ है, वो खुला हुआ है, एक्स्ट्रा लागे हैं, डलमिया गोल्ड ही यूज किया जाता है। क्वालिटी के पीछे हम सब भागते हैं सर, ठीक ना, पैसा के पीछे नहीं। पैसा 2 पैसा कम बचे इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीज़ सही दीजिए, कस्टमर खुद आएगा। तो देख सकते हो दोस्तों, क्या बढ़िया तरीके से ना दूध को काढ़ा जा रहा है, और देखिए क्या भैया ऊपर उठाल उठाल के ना इसको जो हमारे दूध को है और सुखाते जा रहे हैं, ताकि जो दूध है, जो चाय पर है हमारी, वो गाढ़ी बने और फ्लेवरफुल बने। जितना इसको काढ़ेंगे, जितना इसको पकाएंगे ना, जो दूध है वो और गाढ़ा होता जाएगा, और जो हमारे चाय है वो बिल्कुल फ्लेवरफुल होती जाएगी।
तो भैया कितने लीटर तक आप दिन में चाय आप निकाल देते हैं, मतलब हमारे पास कितने कस्टमर आ जाते हैं, कितने लीटर निकल जाती है दूध? 100 से 120 लीटर निकाल देते हैं। क्या बात है दोस्तों, कितनी ह्यूज डिमांड है आप देख सकते हो। और ऐसे ही नहीं, बख्तियारपुर की चाय जो है वो फेमस है, यहाँ पे बहुत लोग जो है वो चाय के दीवाने हैं। आपको काफ़ी सारी दुकान मिलेगी, मगर भैया की दुकान ना मेरे को खास तौर पे क्यों पसंद आई, क्योंकि यह ना बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सफाई रखी हुई है और अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ सारा कुछ। अब ये एक चीज़ और बताइएगा, ये जो हांडी हम यूज़ कर रहे हैं वो कितने दिन में, मतलब कितने दिन तक चलती है एक हांडी? 12 घंटा सर। अच्छा, 12 घंटे तक ही एक हांडी यूज़ की जाती है? हाँ। उसके बाद आप नया हांडी लेंगे? हाँ, नहीं चेंज करेंगे तो फट के गिर जाएगा। अच्छा, क्या बात है दोस्तों। तो देखिए ये वाली जो हांडी है वो लगभग 12 घंटे तक यूज़ की जाती है। इसमें दूध इसी तरीके से पकाया जाता है और उसके बाद फिर फ्रेश हांडी, जो मैंने आपको प्रोसेस दिखाया दूध उबाल के उसको पकाने का, उसी प्रोसेस से दोबारा शुरू किया जाता है। तो हर रोज़ यहाँ पे नई हांडी यूज़ होती है जी, है ना। यहाँ पे कुल्लड़ की क्वांटिटी देख सकते हो दोस्तों, कितनी सारी ह्यूज मात्रा में ना यहाँ पे कुल्लड़ रखे हुए हैं। और इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो आपकी जो चाय है वो किस तरीके से यहाँ पे बनती है और जो कस्टमर्स हैं वो कितने दीवाने हैं चाय के, कि लाइन लगा लगा के यहाँ पे चाय पीते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, ये कोयले की आँच पे पकाया जाता है, तो भट्टी ये सेट हो रखी है और इसके नीचे देखिए यहाँ पे ना फैन लगा रखा है जिसके थ्रू ना हवा ब्लो की जा रही है, जिससे कि जो हमारा कोयला है वो अच्छे से जल रहा है धीमी धीमी आँच पे और अच्छे से जो हीट है वो निकाल रहा है, ताकि जो हमारी ये हांडी है वो अच्छे से चाय को पका रही है। देखिए दोस्तों ये लग रही है चाय, ये देखिए किस तरीके से जो कुल्लड़ है उसके अंदर चाय डाली जाती है, ये चेक करो क्या बात। तो लो जी दोस्तों, फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारी चाय का कप आ चुका है। कप क्या, बेसिकली कुल्लड़ है। देखिए पूरे बिहार में ना दोस्तों ज़्यादातर जो चाय सर्व की जाती है ना कुल्लड़ में ही की जाती है और काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो कुल्लड़ की वजह से और बढ़ जाता है। तो आज हम आए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, बख्तियारपुर, और यहाँ की जो चाय है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देखिए किस तरीके से भैया पीछे बना रहे थे दो मटकियों में काढ़ काढ़ के ना, आइए टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कैसा है इसका स्वाद। आ जाओ, अरे वाह, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है दोस्तों। ओरिजिनल चाय का जो फ्लेवर है ना वो बिना पानी के चाय पीने में ही मज़ा आता है। अच्छे तरीके से कढ़ा गया है इसको, हल्का सा मिठास है इसमें, ज़्यादा मीठा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट जिसे कहते हैं ना मिठास वो है, और बड़ा ही लाजवाब, बहुत बढ़िया। आप भी आइए दोस्तों बख्तियारपुर में, यहाँ पर हम आज आए हैं, क्या नाम है भैया का, देखिए स्वच्छ बिहार टी स्टॉल, देख रहे हो आप, नाम भी बिल्कुल यूनिक, और जिस तरीके से नाम है ना स्वच्छ बिहार, उसी तरीके से इनकी जो शॉप है, जो ढाबा है इनका, वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आइए यहाँ पे भैया से मिलिए, बात करिए और चाय ज़रूर पीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ठोक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। तो चलिए दोस्तों, इस चाय की चिस्की के साथ ही आगे बढ़ते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय।